नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट को स्वागत करुच्ची मु कामराज। बनस्ते डाकिला गज बरसके थरे आसीचि रज, मौसुमी को साथीरे धरी धरावतरण होइचि रज। रज पर्व को नहीं चलचंचल हो उठी ओडिशार पूरापल्ली, सबुठ एवं रजर मौज। पिलांक ठूर आरंभ करी वृद्धों पर्यंत समस्ते उल्लसित, समस्त मनरे खेली जाइछि आनंदर लहरी। घरे घरे कुणिया मैत्रों आसर समेत पिठापणार बास्ना। तेज आसतु रज को नहीं देखा आज आम स्वतंत्र उपस्थापना रज मौज। जून मास मध्यभागे पड़ी था रज। हिंदू मास अनुसार ज्येष्ठर अंतिम और आषाढ़र आद्य रज पर्व धरापृष्ठ को आसी था। चारिदिन धरी पालन करा पर्वर प्रथम दिन को पहली रज कहुए। अन्य तीन दिन मध्य रही रज संक्रांति, भूदाह और बसुमती स्नान। बसुमती स्नान में बाड़ुआ झील मैंने हलदी लगे स्नान करने भूमि पूजा कर। रज पूर्व दिन टी कहुए सजबाज। एही दिन झियो माने कुंकुम अलता आदि लगाई निजो को सज करी थांदे। रज पर्वटी संपूर्ण नारी मानक उद्देश्य रे पालन करा जाय थाए। साधारणतः महिला माने वर्षक 12 मास निजो को कर्म रे नियुक्ति कर थांती, तेनु से मानक विश्राम और मौज मजलिस पई एही पर्व को पालन करा जाय। उपकूल ओडिशा रे रज हूँ एक महान पर्व। रज तीन दिन महिला माने नूतन परिधान पिंधिबा सह निजो को अलका कुंकुम आदि विभिन्न कॉस्मेटिक रे सज करी थांति। एही पर्व रे विशेष भूमिका रही पोड़पिठा और रज दोली। बाड़ुआ झियो माने तीन दिन कौनसी कामधंदा न करिबा सह पोड़पिठा को प्रधान खाद्य भाव ग्रहण करी थांति। तीन दिन बिना स्नान रे रहिबा सह खाली पाद रे चालंती नाही ओ लुण खाती ना। यहाद्वारा से माने सुस्थ संतानर जननी होई पारंती बोली विश्वास रही। रज हूँ आनंद और मजलिस पर्व। यही पर्व में झील मान को दिया था पूर्ण स्वाधीनता। से माने धोली रे झुलिबा सह सेमानक साथी और कुणिया मैत्रों घर बुली था। पूरापल्ली देखा मिलता है अनेक प्रकार रज खेल। दोली हेउची रजर विशेष विशेषत्व। पूरापल्ली रे देखिबा को मिलिथे अनेक रकमर दोली। सेगुड़िक मध्यरे रहिची रामदोली, चक्री दोली, पाटो दोली, दांडी दोली इत्यादि। झियो माने दोली खेलिबा समय विभिन्न प्रकार लोकसंगीत गाइथांती जहाँ परिवेश को संगीतमय करिथाए। एही संगीत मानक मध्यरे बनस्ते डाकिला गज एबे भी मनरे सृष्टि करे आलोड़न। ग्रामांचलर विभिन्न जगार मौज मजलिस विभिन्न प्रकार खेल आयोजन होता है। ग्राम रजरे लुडु, पुची, तास, कबाड़ी आदि खेल विशेष भूमिका नहीं थाए। कबाड़ी खेल आनी नहीं थे मनोरंजन बेस खुराक। यही खेल प्रतिजोगितामूलक होता है। यह उपभोग करने लोके खेलस्थल रुंड होता। रजरे पानर मध्य रही एक निरा स्थान। रज पान खाई पाटी नाल करिवार मजा निया। रज पर्व पछरे मध्य रुचि रही एक पौराणिक किंवदंती। पृथ्वी को शस्य श्यामला करने पर्वर विशेषत्व रही। कृषि नहीं वसुधार भूमिका थी लोके भूमि पूजा मध्य करिथांती। रजरे पर्व पालनर प्रथम तीन दिन बसुमाता होता रजस्वला। अर्थात यही समय मौसुमी आगमन हेतु पृथ्वी चाष उपयोगी होता है। तेणु पृथ्वी को यही तीन दिन संपूर्ण विश्राम दि जाए। बंद रही था समस्त चाषवास।
मध्ययुगीय समय रे एही पर्वर बेस चाहिदा रहिथिला। कृषक माने एहाकु छुट्टी मनाइबाय पाउथिले। एही समय रे जगन्नाथक धर्मपत्नी भाबे पूजा पाउथिबा भूदेवंकु पूजा करा जाउथिला। बसुमती स्नान दिन बसुमाताकु आराधना करा जाय, भल कृषि पै पूजा अर्चना करा जायथाय। एहा परे भूमि रे चाष कार्यर दिया जायथाय प्रथम स्पर्श। रज आनी थाए मनोरंजन अनेक पसरा। सिने निर्माता मध्ये पड़ी न थांती एथिरु बाद सेमाने मध्ये जोगाई दे थांती मनोरंजन ढेर खुराक। रज जगु ओडिसार अनेक कार्यालय छुट्टी रही थाए, समस्ते मौज मजलिस करिबारे व्यग्र थांती। यार फायदा उठी थांती सिने निर्माता माने दर्शक मानक भेटी देवा पई रज उपलक्षे तयारी होई थे अनेक सिनेमा। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଜ ଗୀତ ଓ ରଜଦୋଳିକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ। 2010ରେ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ପରଦାକୁ ଆସିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପହିଲି ରଜ। ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକ ଗୀତ ଥିଲା ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା। ଏହି ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ୍ ଛୁଇଁଥିଲା। ଗୀତଟି ଥିଲା ଆସିଛି ପହିଲି ରଜ। ବସନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଏଥିରେ ଗୀତ ଥିଲା ଗାଉଛି ଆଜି ମୁଁ ଗାଉଛି। ଏହି ଗୀତରେ ରଜଦୋଳିର ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଗୀତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ। ସିନେମା ବ୍ୟତୀତ ରଜକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ ଯାହା ବହୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମହଲରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ସେଭଳି ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ରଜଦୋଳି ଝୁଲିଲାଣି। ଏହି ଗୀତଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଏହାକୁ ରଜ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ। ସମୟ ଥିଲା ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏହା ନେଇଥିଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ। ମାତ୍ର ଆଜିର ଆଧୁନିକତାର ଛିଟାରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନାହିଁ ପୂର୍ବର ବାସ୍ନା। ପାଳନ ହେଉଛି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ। ଏହି ରଜକୁ ନେଇଥିଲା ଆଜି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ସହ। ନମସ୍କାର।